हेलो नमस्कार फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए ब्लैक शैडो बटन बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद, अगर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड करने के लिए इस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सेकंड नंबर ऑप्शन में ट्रांसपेरेंट कर देना है। ट्रांसपेरेंट करने के बाद देखिए ट्रांसपेरेंट कर दिए हम। ट्रांसपेरेंट करने के बाद उसके बाद कलर वाला ऑप्शन दिख रहा है, कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको ग्रेडियंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। ग्रेडियंट वाले पे क्लिक करने के बाद आपको प्लस वाला आइकन दिख रहा है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर में दिख रहा है आपको सेकंड नंबर ऑप्शन, उसको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जितना चाहिए टॉप में और बटन में तो आप उस हिसाब से आप ट्रांसपेरेंट इसको कर सकते हैं। देखिए मैंने कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, कलर वाले ऑप्शन पे जाना है। कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको जितना चाहिए बटन वाला उसको कलर, आप ब्लैक रखना चाहते हैं तो ब्लैक कर सकते हैं, जो भी कलर आप रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। चलिए हम ब्लैक कर दिए। उसके बाद टॉप वाला कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस पर इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर वाला जो कलर दिख रहा है उसको आप वाइट कर देना है। वाइट रखना चाहते हैं तो वाइट कर सकते हैं, तो मैंने चलिए वाइट कर दिया। तो देखिए इस तरह हो गया। प्लस में आपको ऊपर वाला ट्रांसपेरेंट करना है, तो ट्रांसपेरेंट करना है तो ऊपर वाला आपको ये सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ट्रांसपेरेंट वाला नीचे ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसको पूरा ट्रांसपेरेंट कर देना है। ट्रांसपेरेंट करने के बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए ऐसे इस तरह का इंटरफेस आपकी तरह आ गया। इस पर हो जाने के बाद आपको ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको सेव कर लेना है, सेव एज इमेज पे जाके सेव कर लेना है। इसको सेव करने आपको PNG याद रहे कि आपको PNG में ही करना है। JPG में कीजिएगा तो ट्रांसपेरेंट नहीं दिखा जाएगा, तो आपको PNG में ही करना है। PNG करने के बाद आपको डायमेंशन दिख रहा है, डायमेंशन को वेरी हाई कर देना है। वेरी हाई करने के बाद आपको सेव टू गैलरी में आप सेव कर सकते हैं। तो इस शैडो को अपने पोस्ट के लिए यूज करना कर सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो